Hello kids, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Now start our class. Now today's subject, Maths Workbook. Class work in page number 69 and 70. आज का हमारा subject है Maths Workbook में class work in page number 69 and 17 पे. And our today's topic, comparison. हमें क्या करना है? Compare करना है. किसमें compare करना है? हम वो read करेंगे. Okay? बिग एंड स्मॉल. बिग एंड स्मॉल क्या होता है? उसमें कंपेयर करना है. टॉल एंड शॉर्ट. टॉल कैसा होता है, शॉर्ट कैसा होता है, वो कंपेयर करना है. नाउ किड्स, फुल एंड एम्प्टी. हम क्या करेंगे, फुल कौन सा है और खाली कौन सा है. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 70 पे. ओके, सेम उसमें भी आपका टॉपिक कंपेरिजन है, तो हम उसमें भी कंपेयर करेंगे. सेम एंड डिफरेंट. सेम कौन सा है और डिफरेंट कौन सा है? इनसाइड एंड आउटसाइड. अंदर कौन सा है, देन बाहर कौन सा है. ओके, ये था हमारा टॉपिक कंपैरिजन. ओके किड्स, टेक दिस बुक नंबर्स ए. ओपन पेज नंबर 69. पेज ओपन करना है आपको 69. कंपैरिजन, रिवीजन. बिग एंड स्मॉल, हमें किस में कंपेयर करना है? बिग एंड स्मॉल में. बिग मतलब बड़ा एंड स्मॉल मतलब छोटा. प्लीज कलर द बिग स्क्वायर. यहाँ पे टू स्क्वायर्स बनाए गए हैं, है ना किड्स? यस. और एक बिग है, एक स्मॉल है. किड्स आइडेंटिफाई करो कौन सा बिग है. यस, ये बिग है. तो आपको इसमें कलर फिल करना है. मैं यहाँ पे आपको पेंसिल से कलर फिल करके बता रही हूँ, देन आपको क्रियोन कलर से कलर फिल करना है. ओके, क्योंकि ये स्क्वायर बिग है. किड्स आपको पता चला, ये बिग स्क्वायर एंड देन ये स्मॉल स्क्वायर. हमें इसमें ही कंपेयर करना है ना कि बिग कौन सा है और स्मॉल कौन सा है. यस, तो ये बिग है, तो हम इसमें कलर फिल करेंगे. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, टॉल एंड शॉर्ट. टॉल का मीन्स बड़ा, देन शॉर्ट का मतलब छोटा. टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा. ओके, प्लीज कलर द बॉक्स नेक्स्ट टू द टॉल लैम्प. इन यहाँ पे दो लैम्प बनाए गए हैं, उनमें से टॉल कौन सा लैम्प है, उसमें आपको उस बॉक्स में कलर फिल करना है. किड्स ये टॉल है, लंबा है ये? नो, ये से यस, ये लैम्प लंबा है. तो ये एक टॉल हुआ ना, तो टॉल के बॉक्स में हमें कलर फिल करना है. मैं यहाँ पे पेंसिल से कलर फिल कर रही हूँ, आपको क्रियोन कलर से कलर फिल करना है. ओके, और हमें कंपेयर किस में करना था, टॉल एंड शॉर्ट में. तो ये लैम्प टॉल है, देन ये लैम्प शॉर्ट है. ओके, देन लास्ट फुल एंड एम्प्टी. फुल एंड एम्प्टी, फुल का मतलब भरा हुआ. कोई भी चीज़ हो, जैसे कि पानी का ग्लास, तो वो फुल भरा हुआ है तो वो फुल है. एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली. वैसे ही यहाँ पे बास्केट दी गई है ना. यस, प्लीज पुट अ टिक फॉर द बास्केट डेट इज फुल ऑफ फ्रूट्स एंड अक्रॉस फॉर द बास्केट डेट एम्प्टी. हमें क्या करना है, जिस बास्केट में फ्रूट्स रखे हुए फुल है, वहाँ पे टिक करना है. जो बास्केट खाली है, एम्प्टी है, तो उसमें क्रॉस करना है. किड्स आप मुझे बताओ, फुल कौन सा है और एम्प्टी कौन सा है? यस, ये फुल है ना, वेजिटेबल इसके अंदर है ना फुल. यस, तो हम इस पर क्या करेंगे, टिक करेंगे. देन ये एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली. टोकरी खाली है ना ये बास्केट. यस, तो हम इस पर क्या करेंगे, क्रॉस आउट. ओके किड्स, कमेंट पेज नंबर 70. हमारा 69 पे भी क्लास वर्क था, एंड देन 70 पेज पे भी आज का आपका क्लास वर्क है कंपैरिजन. इसमें भी हमको कंपेयर करना है. सेम एंड डिफरेंट. सेम मतलब एक जैसा, एंड डिफरेंट मतलब अलग अलग. ओके, प्लीज कलर द सेम शेप्स. यहाँ पे शेप्स बनाए गए हैं, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ट्राइंगल. इसमें आप बताओ किड्स, कौन सा सेम है शेप्स? यस, ट्राइंगल. ओके, तो ट्राइंगल में आपको कलर फिल करना है. मैं यहाँ पे पेंसिल्स में कलर फिल कर रही हूँ, आपको क्रियोन कलर से कलर फिल करना है. ओके, देन मैंने यहाँ पे पेंसिल से कलर फिल कर दिया.
आपको तीनों में कलर फिल करना है, क्योंकि ट्रायंगल सेम है और हमें कंपेयर भी सेम एंड डिफरेंट में करना है, क्योंकि ट्रायंगल सेम थे इसके लिए इसमें कलर फिल कर रहे हैं, देन सर्कल डिफरेंट है ना किड्स, तो उसमें कलर नहीं फिल करना है। ओके किड्स, आपको पता चला डिफरेंट कौन सा एंड सेम कौन सा? यस, प्लीज कलर द लीफ दैट इज डिफरेंट। हमने पहले क्या किया था, ट्रायंगल में कलर किया था, सर्कल में नहीं किया था, क्योंकि ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सेम है, बट अब इसमें लीफ बनाई गई है यहाँ पे, तो हम उन लीफ में डिफरेंट देखना है, डिफरेंट लीफ कौन सी है। ओके, हमें कंपेयर करना है ना सेम एंड डिफरेंट में। यस, अब किड्स आप मुझे बताओ इस लीफ में कौन सा डिफरेंट है? ये भी सेम है, यस, ये भी सेम है, यस, क्योंकि इन दोनों की लीफ डिज़ाइन सेम है, देन इसकी भी सेम है, एंड देन ये नो, तो ये क्या हुआ? डिफरेंट लीव्स, क्या हुई? डिफरेंट लीफ, तो हम इसमें कलर फिल करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे पेंसिल से ही कलर फिल कर रही हूँ, आपको क्रियोन कलर से करना है। ओके किड्स, आपको आपने कंपेयर किया डिफरेंट कौन सा एंड सेम कौन सा? यस, ट्रायंगल हमने सेम कलर के किए, देन लीफ में हमने कलर फिल किया वो डिफरेंट थी। ओके, देन इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। ओके, प्लीज पुट अ टिक फॉर द कैट दैट इज इनसाइड द बास्केट एंड अ क्रॉस फॉर द कैट दैट इट आउटसाइड द बास्केट। हमें इसमें भी पिक्चर बनाई गई है, एक बास्केट के बाहर है कैट, देन एक बास्केट के अंदर है। किड्स अब मुझे आप बताओ, इन और आउट हमने पहले भी पढ़ा है कि इनका मतलब अंदर, आउटसाइड का मतलब बाहर, तो आप कंपेयर करके बताओ मुझे किड्स कि कौन सी कैट अंदर है, कौन सी कैट बाहर है। यस, वेरी गुड, ये कैट बास्केट के अंदर है, तो ये क्या हुई? इनसाइड, तो हमें इनसाइड पे टिक मार्क करना है, देन ये कैट हमारी बाहर है, बास्केट के बाहर है, तो हम इस पे क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर क्रॉस करेंगे। ओके, देन ये हमारा आज का क्लास वर्क था, पेज नंबर 69 पे, देन पेज नंबर 70 पे। ओके किड्स, अब आपको पता चल गया ना कि है ना कंपैरिजन क्या है। यस, हमें चीजों में कंपेयर करना है। ओके।